नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स राजस्थान की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करके जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित जी क्लब में हुई फायरिंग के मामले में फरार चल रहे लॉरेंस गैंग के वांटेड अपराधी अभय सिंह राठौड़ पुत्र सोहन सिंह निवासी चैनपुरा बड़ा थाना सिद्धमुख जिला चूरू को पकड़ने में सफलता हासिल की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध एवं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमन ने बताया है कि वांछित अपराधियों की सूचना संकलन के लिए भेजी गई है। एक टीम को जयपुर के जी क्लब में हुई फायरिंग के मामले में वांछित चल रहे गैंगस्टर अभय सिंह के बारे में सूचना मिली थी। एडीजी ने बताया है कि सूचना पर आईजी प्रफुल्ल कुमार के पर्यवेक्षण व एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश के सुपरविजन तथा सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एएसआई शैलेंद्र शर्मा, दुष्यंत सिंह, हेड कांस्टेबल शाहिद अली, कांस्टेबल रविंद्र सिंह, महेंद्र सिंह व ब्रजेश कुमार को रवाना किया गया। टीम ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चयनित किए गए जी क्लब फायरिंग मामले में फरार चल रहे गैंगस्टर अभय सिंह राठौड़ की गतिविधियों पर नजर रखी। गुरुवार को टीम को सूचना मिली कि अभय सिंह जयपुर के वैशाली नगर में एक होटल में छुपा हुआ है। सूचना पर टीम ने दबिश देकर लॉरेंस गैंग के सदस्य अभय सिंह को डिटेन किया और उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना जवाहर नगर सर्किल पुलिस को सुपुर्द किया गया है। आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, जमीनों पर कब्जे, मारपीट व फिरौती जैसे गंभीर धाराओं के कल 8 प्रकरण बीकानेर, गंगानगर एवं जयपुर में दर्ज हैं। गैंगस्टर अभय सिंह ने घटना के बाद गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली और जयपुर आदि स्थानों पर फरारी काटी है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। एडीजी ने बताया है कि इस कार्रवाई में एसटीजीएफ के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, एएसआई शैलेंद्र शर्मा, दुष्यंत सिंह और हेड कांस्टेबल शाहिद अली, चंद्रपाल नरेंद्र सिंह, अभिमन्यु सिंह, कांस्टेबल रविंद्र सिंह, महेंद्र सिंह व ब्रजेश कुमार की विशेष भूमिका व कांस्टेबल संजय का तकनीकी रूप से योगदान रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।